छतरपुर बिजली कंपनी के वितरण केंद्र में पदस्थ सहायक अभियंता रिंकू मोना को सागर लोकायुक्त की टीम ने 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं शैलेन रेकवार ने बताया कि बिजली कंपनी के एई रिंकू मैना और उनकी टीम ने बिजली चोरी का फर्जी प्रकरण दर्ज करते हुए 80,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। वहीं पूरे मामले में बिजली कंपनी के एई रिंकू मैना ने कहा है कि उपभोक्ता शैलेन रेकवार के खिलाफ बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया था और उसने दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। यहाँ एक दोना फैक्ट्री मैंने अभी चालू की थी, तो किसी ने छपात कर दी, तो हमारे यहाँ ये गए, बिजली प्रकरण का मेरे ऊपर केस बनाया और बनाए रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की हमसे रिश्वत की मांग की थी। आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है विद्युत मंडल छतरपुर में। सहायक यंत्री रिंकू मैना और TA जो है तिवारी और लाइनमैन घनश्याम दुबे को आज हमने जो है 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी का पंचनामा बना है जिसमें डायरेक्ट विद्युत उपयोग किया जा रहा था। इनसे रिकवरी में अभी 13 तारीख को लोक अदालत होने वाली है, उसमें पैसा जमाने करने के लिए उनको बस रसीद भी देने वाले थे। लोकायुक्त